First of all, good morning. Mobile niche. Sir, today as I commit the office of the Chief of Army Staff of the Indian Army, I wish to convey my gratitude and compliments to the soldiers, the rank and file of our Indian Army, who have stood steadfast under challenging circumstances and have performed their duty in keeping with the traditions of our armed forces. Today, as I stand here before you, I wish to specially convey my compliments to those soldiers who are deployed on the northern, western, and our eastern borders, braving this winter cold and the icy winds as they stand steadfast, performing their role and tasks without hesitation. I also wish to convey my best wishes to the soldiers, the rank and file, their families, our veterans, veterans' families, our Veer Naris and Matas, all the defense civilians and their families who have supported us, and me in particular, in helping me perform my duties in an honorable manner. I wish to use this opportunity to convey best wishes for a very happy and bright and prosperous new year to each one of them. They have always stood fast under difficult times. I also wish to convey my best wishes to General Manoj Naravane, who will be assuming the office as the 28th Chief of our Army Staff, a very competent and capable officer. We are confident he will, through his competence and professionalism, take this army to even greater heights. My compliments also to Mrs. Naravane, who will be assuming the mantle of President, Army Wives Welfare Association, and will hereinafter be caring for the families of our soldiers, the Veer Naris, Veer Matas, and the families of our veterans. I wish to convey my best wishes to General and Mrs. Naravane for a very successful innings as a Chief of the Army Staff, and I am confident the Army will continue to rise to greater heights under their leadership. Thank you, gentlemen. सेना प्रमुख के तौर पर आपका जो कार्यकाल रहा है उसको किस तरह से आप वो कार्रवाई कल होनी है वो कार्रवाई कल होनी है। आज मैं सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, तो आज मुझे पहले सेवानिवृत्त होने दीजिए। यहाँ से मैं आपके जरिए भारतीय सेना के प्रत्येक जवान और अहदेदारों को बधाई देना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पिछले 3 सालों में जिस तरह से उन सभी ने मिलकर मुझको सहयोग दिया, उन्हीं के सहयोग के कारण मैं सफलतापूर्वक अपना कार्यकाल करने में सफल हुआ।
आपके जरिए मैं उन सभी को, उनके परिवार वालों को, हमारे वीर नारी वीर माताएं, हमारे वेटरन्स, वेटरन्स के परिवार वाले, हमारे साथ डिफेंस सिविलियन जो साथ तैनात रहते हैं, सब ने जिस तरह से एकजुट होकर कार्रवाई की है वो सब बधाईबद्ध हैं। और इस अवसर में उनको नववर्ष की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारतीय सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक सिर्फ ओहदा है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ केवल अकेला काम नहीं करता, उसको काम करने में, अपना कर्तव्य पालन करने में सहयोग मिलता है उसके जवानों द्वारा। ओहदेदार, चाहे वो जिस रैंक पर तैनात हों, उन सभी के सहयोग के द्वारा, जिस टीम वर्क से भारतीय सेना काम करती है, तभी हमें सफलता मिलती है। बिपिन रावत केवल एक नाम है। बिपिन रावत का ओहदा तब बढ़ जाता है जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाता है, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो तभी कहलाता है जब उसके साथ सारी टीम मिलकर काम करती है। वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडियन आर्मी का होता है, और इंडियन आर्मी केवल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से नहीं बनती। जितने भी हमारे जवान हैं, हमारे अहदेदार हैं, वो सब मिलकर इंडियन आर्मी कहलाते हैं। और जब बिपिन रावत चीफ ऑफ इंडियन आर्मी बनता है तो इन सब को शामिल होकर अपनी कार्रवाई करता है, और उनके सहयोग द्वारा ही हमें सफलता प्राप्त होती है। अकेला कोई आदमी कुछ नहीं हासिल कर सकता। धन्यवाद। आप बोलिए, कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं सर? अब सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? आपने अभी कहा कि कुछ दिन पहले कहा था कि एलओसी पर अभी हालात ऐसे हैं कि कुछ भी हो सकता है। देखिए, इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा इस समय, क्योंकि आज जनरल नरावने 28वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त होने जा रहे हैं। किस तरह से वो कार्रवाई को संभालेंगे, किस तरह से वो अपना कार्यकाल करेंगे, तो मैं यही चाहूंगा कि इस पर टिप्पणी वो करें, क्योंकि उन्होंने किस तरह से आगे कार्रवाई करनी है अब उनके जिम्मे में है। हम उनका सहयोग करते रहेंगे, भारतीय सेना उनका सहयोग करते रहेगी। मुझे यकीन है कि वो हर किस्म से सक्षम है और कार्रवाई सही तरीके से करते रहेंगे। कुछ ऐसा काम जो नहीं कर पाए सर, और आने वाला जो जिम्मेदारी, उसकी क्या चुनौती आप देखते हैं सर? देखिए, सोच तो बहुत बड़ी होती है, तो जरूर ऐसे काम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन अधूरे काम ऐसा होता है कि उसके बारे में कुछ शुरुआत कर दी जाती है, और आगे जो ओहदा संभालते हैं, आगे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आते रहेंगे, उनके ऊपर भी जिम्मेवारी बनती है कि उस कार्यकाल को आगे ले जाना और उसका समापन करना। वो कल अभी आपको मैं सही बात बताना चाहता हूं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कार्यकाल जो होता है वो काफी कठिन होता है, बहुत जिम्मेवारी होती है। इसलिए इस वक्त तक मैं सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, और मेरा ध्यान सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में मुझे किस तरह से कार्रवाई करनी है, आखिरी समय तक मेरा ध्यान सिर्फ उस तरफ ही था। अब अगर मुझे कोई नया ओहदा दिया गया है, उसके लिए मैं सोच विचार करूंगा और आगे की रणनीति हम तैयार करेंगे। लेकिन ये कह देना कि मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हुए आगे की कार्रवाई देख रहा था कि सीडीएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये कभी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई थी। मैं सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मुझे कार्य मिला था उस पर ही ध्यान दे रहा था, और अभी जब तक मैं हैंडओवर चार्ज नहीं करूंगा मैं उस पर ध्यान देता रहूंगा। बिगेस्ट अचीवमेंट्स मैं यही कहूंगा, जैसे बाकी लोग की अचीवमेंट्स रही है, पहले वाले जो हमारे चीफ रहे हैं सभी ने कुछ ना कुछ अचीवमेंट करी है, उसी तरह हमने भी कुछ अचीव किया है। हाँ, मेरी अचीवमेंट ये थी कि मेरे ऊपर ये मेरा ध्यान ये था कि हम लोग क्या आर्मी का रिस्ट्रक्चरिंग, वेपन सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन, और जिस तरह से नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की बातें होती हैं, इस तरफ हमारा ध्यान जाए, तो इस पर मेरी कोशिश रही, और किस हद तक हम सफल हो पाए हैं इस पे तो टिप्पणी आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से तो आप लोग ने देखा है, हमें तो अंदर से सब ठीक लगता है, लेकिन बाहर से जो आदमी देखता है उसको सच्चाई का पता होता है। सर, व्हाट विल यू टेल योर सक्सेसर सर? जस्ट नाउ यू विल शेक हैंड्स विद हिम
and hand over charge, what is the one thing you will tell him? Move on. And sir, last question, sir. In last 3 years, we have seen that India has got new artillery guns. The troops have got new assault rifles. You think after your three-year tenure, the troops are better prepared and better equipped to face the enemy in Pakistan and China both? Yes, better prepared. I would say yes, they are better prepared. Thank you, ladies and gentlemen. It's been wonderful working with you all. You all have been very, very supportive. And I hope you will continue to provide this kind of support to my successor, General Naravane. He will need your support throughout. And I am very confident the way you have provided support to me and the Indian Army, you will continue to provide this support to General Naravane and under his command, the Indian Army. Thank you. Dhanyawad. Jai Hind. तो कॉन्फिडेंट और उत्साह से लबरेज आप जनरल बिपिन रावत, जो सेना अध्यक्ष के तौर पर आज उनका आखिरी दिन चूंकि रिटायर हो रहे हैं, वो बता रहे थे कैसे वो अपनी नई जिम्मेदारियों को आगे निभाने जा रहे हैं। देश के पहले सीडीएस को सुन रहे थे आप। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप विद लाइव टीवी लेटेस्ट अपडेट्स एंड एक्सपर्ट ओपिनियन अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर डाउनलोड इट नाउ।